हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग मैचिंग विथ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स में आता है और एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम माना जाता है, फास्टर वन देन अदर एल्गोरिदम्स। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटोमेटा होता क्या है। एक ऑटोमेटा एक मशीन कही जाती है जो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक स्टेट में होगी, ठीक है। तो ये हमारे दो स्टेट्स हमने बना लिए, स्टेट ए और स्टेट बी। जहाँ पे मेरा स्टेट ए जो है वो इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट्स हम डिफाइन करते हैं अ स्टेट विच हैज़ एन अप्रोचिंग एरो फ्रॉम इन्फिनिटी, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। और बी ये हमारा फाइनल स्टेट है, और जो फाइनल स्टेट है उसको हम डबल कंसेंट्रिक सर्कल से डिनोट करते हैं, फाइनल स्टेट। तो अब हम आगे जानते हैं कि अगर मैं ए से बी पर जा रहा हूँ तो मुझे इसके लिए एक इनपुट वेरिएबल चाहिए। सपोज ये ज़ीरो है, अगर मैं ए स्टेट पर खड़ा हूँ और मुझे ज़ीरो मिलता है तो मैं बी स्टेट पर मूव कर जाऊंगा, और वहीं अगर मैं बी स्टेट पर खड़ा हूँ और मुझे वन मिलता है तो मैं ए स्टेट की ओर मूव कर जाऊंगा। तो ये एक बेसिकली छोटा सा ऑटोमेटा था, इसे हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन भी। इसकी मदद से हम जानेंगे कि हम स्ट्रिंग मैच कैसे करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम हर एक गिवन पैटर्न के लिए एक पैटर्न जो कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जिसे हम सर्च करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। जैसे कि ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरा पैटर्न है, ये 01 जो पैटर्न है वो मुझे किसी स्ट्रिंग में सर्च करना है। तो हर एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए एक ऑटोमेटा डिज़ाइन किया जाता है। तो अब हम आइए देखते हैं कौन सा ऑटोमेटा डिज़ाइन होगा इस स्ट्रिंग के लिए। इस स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन होगा ए बी, अगर मुझे ज़ीरो मिलता है तो मैं दूसरे स्टेट पर मूव कर जाऊंगा, और मुझे अगर वन मिलता है तो मैं इस स्टेट पर ही प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं, अगर मैं ए स्टेट पर था और मुझे वन मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा। इस डायग्राम को देखकर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जा पाऊंगा। तो अगर किसी डायग्राम को देखकर आपको ये ना पता चल रहा हो कि अगर आपको दूसरा अल्टरनेटिव इनपुट मिलता है तब कहाँ जाओगे, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप हमेशा इनिशियल पॉइंट की ओर ही जाओगे, ठीक है। तो सपोज़ वी डोंट हैव अ एज जो वन डिनोट करे कि अगर ए पे खड़े होके मुझे वन मिल रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू द इनिशियल स्टेट और ए। यहाँ पे बी की तरफ अगर हम बढ़े तो बी में मुझे ये नहीं बताया गया कि यार अगर मुझे ज़ीरो मिल रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो अगर मुझे ज़ीरो मिलेगा बी पे तो मैं ए की ओर ही जाऊँगा। ये बन गया हमारा एक कंप्लीट ऑटोमेटा जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। आइए अब इसका ट्रांजिशन टेबल बना ले। ये था ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांजिशन टेबल के बारे में। ट्रांजिशन टेबल वो कुछ नहीं होता, बस इस डायग्राम को हमें एक एरे के फॉर्मेट में नीचे लिख लेना होता है। सपोज ये मेरे स्टेट्स थे ए और बी स्टेट, और मुझे इनपुट मिल रहे थे जीरो और वन। तो ए पर जब मैं खड़ा था और मुझे जीरो इनपुट मिला तो मैं बी स्टेट की ओर गया, और जब मैं ए पर खड़ा था मुझे वन इनपुट मिला तो मैं किस स्टेट की ओर गया। इस डायग्राम को देखकर मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं ए पे खड़ा और मुझे वन इनपुट मिला तो मैं एक की ओर ए पे ही रहा, और जब मैं बी पर पहुंच चुका हूँ और बी पर मुझे ज़ीरो मिला इनपुट तो मैं वापस ए की ओर आ गया, और अगर मैं बी पर खड़ा हूँ और मुझे वन इनपुट मिला तो मैं बी पर ही रह जाऊँगा। तो ये हमने बना लिया है ट्रांजिशन टेबल, ये ट्रांजिशन डायग्राम का। अब इसी टेबल को अगर मैं एक एरे की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकूँ तो बस मेरा काम हो गया है मैकेनिकली एक स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो कंप्यूटर में लॉजिकली, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आइए वो जानता हूँ। मैं एक एरे बनाऊंगा, डबल डायमेंशनल एरे, ओके, जिसे मेरे फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए। तो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो थे वो 2 थे, और नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए रहेगा दूसरा एरे, तो ये रहेगा 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स थे 0 और 1। सो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक गिवन ट्रांजिशन टेबल को विद द हेल्प ऑफ एरे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे मैच करेंगे ऑटोमेटा की मदद से। तो ये अब हमारा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग में पैटर्न ऑटोमेटा की मदद से। तो ये हमारा एग्जाम्पल स्ट्रिंग है और ये पैटर्न है। तो आइए सबसे पहले हम इस पैटर्न के लिए अपने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम एक ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे हैं अपने इस गिवन पैटर्न के लिए। इसमें बनेंगे 4 स्टेट्स ए बी सी डी। ए हमारा इनिशियल होगा, डी हमारा फाइनल स्टेट होगा।
अब जब मैं ए पर हूँ मुझे जीरो मिला, मैं आगे जाऊँगा। बी पर हूँ मुझे वन मिला, मैं आगे जाऊँगा। सी पर हूँ मुझे जीरो मिला तो मैं आगे जाऊँगा। अब मैं ए पर हूँ और मुझे वन मिला तो मैं ए पर ही रहूँगा, और मैं बी पर हूँ और मुझे जीरो मिला तो मैं बी पर ही रहूँगा, और सी पर मुझे अगर वन मिलता है तो मैं चला जाऊँगा वापस ए की ओर, ठीक है। और अगर डी पर हूँ और मुझे जीरो मिला तो मैं आ जाऊँगा बी पर, और अगर मैं डी पर हूँ और मुझे वन मिलता है तो मैं वापस चल जाऊँगा सी की ओर, ओके। सो ये हमारा गिवन ऑटोमेटा है जो फाइंड करता है ये पैटर्न 010 इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये कैसे बनाएगा। सबसे पहले हम इसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल जैसे मैंने आपको बताया, हम स्टेट्स लिखते हैं पहले, फिर इन स्टेट्स के साइड में हम लिखेंगे इनपुट्स जो कि 0 और 1 है, और अब हम देखेंगे कि गिवन इनपुट पे ये स्टेट्स हमें कौन सी स्टेट की ओर भेजते हैं। ए पर 0 मिलेगा तो मैं बी की तरफ जाऊँगा, 1 मिलेगा तो ए पर ही रहूँगा, बी पर 0 मिलेगा तो बी पर रहूँगा, बी पर 1 मिलेगा तो सी की तरफ जाऊँगा, सी पर 0 मिलेगा तो डी की तरफ जाऊँगा, सी पर 1 मिलेगा तो मैं ए की तरफ आ जाऊँगा, डी पर 0 मिलेगा तो मैं बी पर चल जाऊँगा, और डी पर 1 मिलेगा तो मैं सी पर चला जाऊँगा, ओके। ये हमारा बन गया ट्रांजिशन टेबल, किसके लिए? पैटर्न 010 के लिए। तो हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग में इसे कैसे किया जाएगा। चेक, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो है 0011000101001010। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन पे। मैं इनिशियल पोजीशन पे हूँ और मुझे 0 इनपुट मिला तो मैं बी पोजीशन पर पहुंच गया, ओके। अब जब मैं बी पोजीशन पे हूँ और मुझे फिर एक और 0 मिला तो मैं कौन सी स्टेट पर पहुंच गया? मैं पहुंच गया बी पर, ठीक है। इस टेबल को देखकर हम यहाँ स्टेट्स लिखते जाएंगे। मैं बी पर हूँ मुझे 1 मिला, मैं सी पर पहुंच गया, मैं सी पर हूँ मुझे 1 मिला, मैं ए पर पहुंच गया, मैं ए पर हूँ मुझे 0 मिला, मैं बी पर पहुंच गया, मैं बी पर मुझे एक और 0 मिला, मैं फिर बी पर हूँ, मैं बी पर हूँ मुझे फिर एक और 0 मिला, मैं फिर बी पर हूँ, अब मैं बी पर हूँ मुझे एक 1 मिल गया, मैं सी पर चला गया, मैं सी पर हूँ मुझे एक 0 मिल गया, मैं डी पर चला गया, मैं डी पर हूँ मुझे 1 मिल गया, मैं सी की ओर चला गया, अब फिर से मैं सी पर हूँ और मुझे 0 मिल गया तो मैं डी पर आ गया, मैं डी पर हूँ मुझे एक और 0 मिला, मैं बी पर चला गया, मैं बी पर हूँ मुझे एक और 1 मिला, मैं सी पर आ गया, मैं सी पर हूँ मुझे फिर एक 1 मिला, मैं ए की तरफ चला गया, और ए पर हूँ मुझे 0 मिला, मैं बी पर आ गया। तो ये हमारे स्टेट्स थे जहाँ जहाँ पर हम रहे इन गिवन इनपुट्स की वजह से। तो अब हम इस स्ट्रिंग में चेक करेंगे कि हम फाइनल स्टेट जो कि डी है उस पर कितनी बार पहुँचे। तो हम डी पर देख सकते हैं कि 2 बार हम डी पर पहुँचे, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटा क्या करता है, ये चेक करता है कि गिवन स्ट्रिंग में जितनी बार फाइनल स्टेट पर पहुंचा है वो ऑटोमेटा, उतनी बार वो क्या करेगा, हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे कि इंडेक्स कैसे निकालते हैं। सपोज ये इंडेक्स हैं इसके स्ट्रिंग के जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लेंथ की हमारी स्ट्रिंग थी, ठीक है। ऐसे तो लेंथ 15 थी पर मैंने 0 से इंडेक्सिंग चालू की है तो आई विल टेल कि ये 14 लेंथ की थी। अब हम क्या करेंगे कि हम इंडेक्स निकालेंगे। हमें 8वें इंडेक्स पे डी इनकाउंटर किया और 10वें इंडेक्स पर डी जो कि हमारा फाइनल स्टेट है वो इनकाउंटर किया। तो अब हम इसका स्टार्टिंग कैसे निकालेंगे वो हम ऐसे चेक करेंगे कि सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में पैटर्न की लेंथ निकाल लेंगे। तो पैटर्न की जो लेंथ है जो कि 010 है वो 2 है। देखिए 012 क्योंकि मैंने 0 से इंडेक्सिंग चालू किया है, सो जो पैटर्न की लेंथ है वो 2 है। तो अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि हमें स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स पे फाइनल स्टेट मिला। तो हमें मिला था स्ट्रिंग में 8वें इंडेक्स पे और 10वें इंडेक्स पे फाइनल स्टेट्स, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इन फाइनल स्टेट के इंडेक्स से जो पैटर्न का इंडेक्स पैटर्न का लेंथ है जो कि है 2 वो माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ओके। तो जब आप देखेंगे कि 6 और 8 जो हमारे इंडेक्स पोजीशन है जो कि है ये और ये, तो अब जब यहाँ से हम स्ट्रिंग निकालेंगे तो ये देखिए 010 ये 6 पैटर्न्स 6 इंडेक्स से जब हमने चालू किया तो ये पैटर्न हमें यहाँ पे एक बार मिला। जब हमने 8वें इंडेक्स से चालू किया तो हमें फिर से 010 पैटर्न जो है वो इनकाउंटर किया। तो इस पूरी सी स्ट्रिंग में हमें 2 बार ये 010 का पैटर्न मिल रहा है, कौन कौन सी इंडेक्स पे, 6 इंडेक्स पे और 8 इंडेक्स पे। तो ये हमारा ऑटोमेटा बेखूबी इस
स्ट्रिंग में इस पैटर्न को सर्च करने के लिए कामयाब रहा। तो बस जो हमारा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है विथ फाइनाइट ऑटोमेटा वैसे वर्क करते हैं। थैंक यू गाइस।